अगर आप पीएसयू बैंक के पेंशनर्स हैं और आप सोशल मीडिया में, न्यूज मीडिया में पेंशन से संबंधित न्यूज सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो मैंने आज से लगभग 15 दिन पहले निकाला था, जिसमें कि मैंने 28 जुलाई को जो MOU साइन हुआ था उसके बारे में जिक्र किया था। साथ ही ये बताया था कि 100% न्यूट्रलाइजेशन का प्रस्ताव IBA द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज दिया गया है और उनकी अप्रूवल के बाद ही वो लागू हो पाएगा। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो डेट थी 1 नवंबर 2002 से पहले के पेंशनर और 86 से बाद के पेंशनर से संबंधित थी, जिसमें कि DA को स्टेज वाइज के बजाय सभी के लिए 100% न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। इस प्रस्ताव की स्वीकृति अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं मिली है, लेकिन इसमें 2-3 अफवाहें या गलत खबर सोशल मीडिया में फिर से चल रही हैं, जिसमें कि एक सबसे बड़ी एरर CNBC आवाज के एक वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है YouTube के थ्रू, उसमें 100% न्यूट्रलाइजेशन का नवंबर 2022 की डेट बताई गई है, जो कि गलत है। ना CNBC आवाज के संवाददाता या जो भी उनके कॉरेस्पोंडेंट हैं, उनको किसी को ये मालूम है कि बैंक का एग्रीमेंट क्या है और कब से लागू हुआ, उसमें स्टेजेस वाइज DA कब था और 100% न्यूट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग है। अक्सर न्यूज़ मीडिया वाले जो थोड़ी सी खबर उनको मिलती है उसको तुरंत मीडिया में ले जाने के लिए वो कई बार गलत खबर भी प्रसारित कर देते हैं। तो इसके लिए जो असली डेट है वो 2002 नवंबर है, न कि 2022। दूसरी भ्रांति इसमें सोशल मीडिया में चल रही थी कि हमारे एक कॉमरेड जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेट बैंक के पेंशनर्स के लिए 40% से 50% बढ़ाने के लिए और 100% न्यूट्रलाइजेशन के लिए केस फाइल किए थे, उनके नाम से एक व्हाट्सएप मैसेज है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 100% न्यूट्रलाइजेशन का प्रस्ताव अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन वो अभी अप्रूव नहीं हुआ, वो खबर भी गलत है। अब तीसरा मुद्दा आता है कि 40% से 50% वाला पेंशन अपग्रेडेशन का किस स्टेज पे है। इसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की कमेटी है उसके पास 6 अगस्त 2023 को कमेटी के सामने बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर्स की जो यूनियन है उन्होंने अपना पक्ष रखा है और अब फैसला कमेटी को देना है। यह भी अभी पेंडिंग है, इसमें फर्दर कोई डेवलपमेंट अभी सामने नहीं आई है। तीसरे जो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो में बताया जा रहा है कि यदि पेंशन अपग्रेड हो जाती है तो ये स्केल होंगे, ये होगा, ये भी अभी बिल्कुल कहीं पर भी सच नहीं है। बैंक पेंशनर्स का पेंशन अपग्रेडेशन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने IBA को डायरेक्शन दी थी कि वो एक सही कमेटी बिठा करके उसके सामने सभी पक्षों की दलीलें देख करके इस मामले से संबंधित अपने रिकमेंडेशंस सुप्रीम कोर्ट के सामने कमेटी रखे। IBA द्वारा कमेटी कोई फॉर्म नहीं करी गई है और IBA ने उसमें जो एफिडेविट दे दिया था कि हम किसी भी रिट पिटीशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसमें कोई वेज रिविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और यदि कोई भी मामला है तो वो बैंक के मैनेजमेंट से ही लिया जाए। अब दोस्तों, इसमें आज की डेट में स्थिति यह है कि अब 6 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई शुरू करेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने आप ही सू मोटो डिसीजन देना पड़ेगा और IBA का उसमें क्या रोल रहता है ये उसी समय पता लग पाएगा। फिलहाल
पेंशन अपग्रेडेशन से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। सोशल मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो सब भ्रांतिपूर्वक हैं और उनका कहीं पर भी कोई बेस नहीं है। अब एक सोशल मीडिया में बार बार ये दिख रहा है कि बैंक पेंशनर्स की एसोसिएशन फाइनेंस मिनिस्टर को मिल रही हैं, वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ऑलरेडी IBA की जो रिकमेंडेशंस है, MOU जो भेजा गया है उसको जल्दी से अप्रूव करके भेजें। इस विषय में मेरा ये मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो अपनी अप्रूवल नॉर्मल कोर्स में ही देगा और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कितना इंटरफेयर करेगा उस मामले में ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आशा की जाती है कि ये मामला जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये अब एक फाइनल अप्रूवल के स्टेज पे है और इसमें कोई भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस भी नहीं है और ना ही ये कहीं से भी इरेशनल डिसीजन लगता है। तो ये लॉजिकली ये मिलना ही था, केवल इसमें डिले की जा रही है। और साथ ही इसमें ये भी प्रोविजन है कि जिस दिन से ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल होगी उसी दिन से लागू होगा, तो इसमें एरर का भी कोई इम्प्लिकेशंस नहीं है, तो ये जल्दी ही लागू हो जाएगा मेरा मानना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं कुछ अफवाहों पर चर्चा करना चाहता था। आशा है कि इस इंफॉर्मेशन से आपको लाभ होगा और ये आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें। साथ ही कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित बैंक के इंफॉर्मेशन कोई चाहिए या बैंक संबंधित पॉलिसीज के बारे में या गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जानकारी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।